हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक क्विक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके बाइक के टायर में कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है और अगर आपके बाइक के टायर MRF के हैं तो उनको आप इजीली रिप्लेस करा सकते हो अपने नज़दीकी डीलर से या फिर हर एक स्टेट की हर एक सिटी में एक क्विक एक्सचेंज पॉइंट होता है जहाँ पे आप टायर हाथों हाथ चेंज करा सकते हो। जो बाइक है वो सुजुकी जिक्सर ऐसा, उसका पीछे का टायर में क्रैक्स आ गए थे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से क्रैक्स मेरे टायर में आ गए थे चारों ओर से, तो मुझे टायर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली मैं अभी गया हुआ था पराशर लेके राइड पे, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि टायर में क्रैक्स काफ़ी आ गए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी पराशर लेक वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये लोग पहले बाइक के टायर को चेक करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इनकी कि बाइक में ज़्यादा पंचर नहीं होने चाहिए या तीन या तीन से ज़्यादा पंचर नहीं होने चाहिए, और प्लस जो बाइक का टायर घिसा हुआ होता है उसको ये लोग मेज़र करते हैं अपनी मशीन से, और उस उतना आपको प्राइस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मेरी बाइक का अगर टायर घिसा हुआ है कुछ 3 mm तक या फिर कुछ ऐसा इनका मेजरमेंट होता है, तो उस पर अकॉर्डिंगली जो भी मशीन से इनका कैलकुलेटेड प्राइस निकलता है उतना पैसा आपको देना पड़ता है और आपका टायर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाता है। तो गाइस, मेरी बाइक का टायर निकाल दिया है थापा जी ने। यहाँ पर आपको, ये मेरी बाइक का टायर है गाइस, यहाँ पे आपको थापा जी मिल जाएंगे जो ये सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कंडीशन होती है टायर की कि आपके टायर में 3 से ज़्यादा पंचर नहीं होने चाहिए, और बाकी आपकी घिसाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपकी घिसा हुआ है टायर, उसके हिसाब से लोग कॉस्ट करते हैं, बाकी सब कुछ फ्री होता है। तो यहाँ पे आपको थापा जी मिलेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। सो गाइस, मैं गुड़गांव सेक्टर 47 वाले सेंटर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे अच्युतम जी मिले, तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको पहले कॉल करके बता देना है कि आपके बाइक कौन से टायर कौन सा है, सो दैट यहाँ पे अगर स्टॉक होगा तो ये आपको एक स्लॉट दे देंगे कि आपको आना है या नहीं आना बिकॉज ऑफ स्टॉक अवेलेबिलिटी। और उसके बाद आपको सिर्फ बाइक लेके यहाँ पे आना है, चेक करवानी है, और अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी फॉलो होती हैं तो आपका टायर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगा। और जितना भी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जितना टायर घिसा होगा उतना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो गाइस, स्टाफ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी मेरी हेल्प भी करी बिकॉज मैं आज आ गया था बट इनके पास स्टॉक नहीं था, फिर भी इन लोगों ने कहीं से इधर उधर से करके व्यवस्था करके मुझे टायर प्रोवाइड कर दिया बिकॉज मुझे कल की भी छुट्टी लेनी पड़ती है अदरवाइज। सो अ बिग थम्स अप टू MRF स्टाफ ऑफ सेक्टर 47। और बाकी दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि MRF का टायर से रिलेटेड या फिर एक्सचेंज या रिप्लेस या वारंटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।